नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मवतु अवतु ओम योग का एक अभिन्न अंग ध्यान जो कि हम सबको तनाव से मुक्त करने का काम करता है और साथ ही साथ प्रतिदिन का जो तनाव हमारे मस्तिष्क में हमारे शरीर के विभिन्न नस नाड़ियों में और हमारे चित्त में मन में उत्पन्न होता है जो उसको दूर करने का काम यह ध्यान करता है इस ध्यान को प्रतिदिन करके हम तनाव मुक्त जीवन को जी सकते हैं रोज करना ध्यान को गायत्री ध्यान का दस मिनट का आज का स्वरूप पूरा प्रारूप आपके सामने मैं रखता हूं करेंगे सभी सीधे होकर बैठ जाएंगे अपने हाथों को किसी भी एक मुद्रा में रख लेंगे ध्यान मुद्रा अथवा वायु मुद्रा अथवा अपान मुद्रा अथवा अपान वायु मुद्रा शून्य मुद्रा पृथ्वी मुद्रा अथवा सूर्य मुद्रा या फिर वरुण मुद्रा या फिर लिंग मुद्रा या पद्म मुद्रा कमल मुद्रा किसी भी एक मुद्रा में अपने हाथों को रखें सबसे उत्तम मुद्रा यह ध्यान मुद्रा है आप चाहे तो ऐसे दोनों हाथों को कटोरी बनाकर गोद में भी रख सकते हैं इन दोनों को घुटनों पर भी रख सकते हैं आंखें कोमलता से बंद कर ले अष्टांग योग महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन में अच्छे प्रकार से भली प्रकार से वर्णित है और वहीं पर ध्यानम, तत्र तानता ध्यानम और सांख्य में ध्यानम निर्विषय मन और हठ योग का ग्रंथ कहता है ध्यानात् प्रत्यक्षम आत्मन संसार की तरफ तो हम खूब यात्रा करते अपनी ओर की यात्रा करें अपनी ओर चलें, अपने आप को देखें, आत्मनिरीक्षण करें पूरा भर के ओंकार का उच्चारण पर गहरी लंबी श्वासों पर मन को टिका देंगे आती जाती श्वास पर मन ठहरा हुआ स्थिर हो। गहरे श्वासों को आते हुए देख रहा है मन और लंबे गहरे प्रश्वासों को बाहर निकलते हुए भी देख रहा है अपने भीतर इस प्रकार की एकाग्रता इस प्रकार की सूक्ष्म दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास करें जब आंखें खुली होकर संसार में व्यवहार कर रहे होते हैं तब हम बहुत चंचल होते हैं हम सब अपने आप से इतना दूर चले गए कि हमारी निजता ही खो गई सब कुछ सार्वजनिक हो गया व्यक्तिगत यात्राओं के चित्रों को भी हम सार्वजनिक करके सुखी नहीं कुछ निजता हमारी बनी रहे। और वही निजता हमें सुख को आनंद को प्राप्त कराएगी प्रसन्नता हमारे अंतकरण में उत्पन्न करने का प्रयास करें अपने जीवन की अच्छी जो क्षण होते हैं वे प्रसन्न होने के बाद ही उत्पन्न होते हैं। अकारण ही प्रसन्न होने का प्रयास करें गायत्री मंत्र ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वम् भर्गुदेवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् ॐ तत्सवितुर्वाण्य धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वारि भरगुदेव धीमा प्रचो दया ध्यान के लिए अपने बाहर के बिखरे हुए मन को भीतर समेट लेंगे अंदर लिया लें। अपने किसी एक स्थान धारणा स्थल पर मन को टिका देंगे आप अपने नाभि पर मन को टिका सकते हैं अपने हृदय गुहा पर हृदय के मध्य बिंदु में टिका सकते हैं अपने कंठ पर अपने मन को टिका सकते हैं अपने जीप के अगले भाग अथवा नासिका के अगले भाग पर टिका सकते हैं अपने भ्रिकुटी जहां हमारे तिलक लगाया जाता है दोनों भावों के मध्य में वहां टिका सकते हैं आज्ञा चक्र में अपने सहस्रार सिर के ऊपर जहां हम शिखा चोटी बांधते हैं, वहां भी टिका सकते हैं किसी भी एक स्थान पर धारणा करिए मिलजुल कर हम सब जन गायत्री का पाठ करें मिलजुल कर हम सब जन गायत्री का पाठ करें रक्षक है सबका नित ओम का जाप करें ओम रक्षक है सबका नित ओम का जाप करें गायत्री मंत्र का पहला शब्द भू उस पर हम ध्यान कर रहे हैं परम पिता परमात्मा ओम यानी सर्व रक्षक है और भू यानी प्राणों का भी प्राण है हम जिन पदार्थों से जिन वस्तुओं से जिन साधनों से जीवित रहते हैं वे सारे हमारे प्राण कहलाते हैं जल हो अन्न हो वायु हो अग्नि हो आकाश हो अथवा अन्य भी वनस्पतियां आदि जितने भी तत्व जो हमारे इस जीवन को धारण करने के लिए मुख्य रूप से सहायक है प्राण कहलाते इनका भी यदि कोई चलाने रक्षा करने और इनको पुष्ट करने वाला है तो वह परमात्मा है इसीलिए उसको प्राणों का भी प्राण कहते भुव यानी दुख विनाशक है परमात्मा स्व सुख दायक है सुख को देने वाला आनंद को देने वाला परमात्मा है सुख स्वरूप है तत् यानी वह परमात्मा जो प्राणों का भी प्राण दुख विनाशक और सुख स्वरूप आनंद का देने हारा है ऐसे परमात्मा का वरण करें तत्व सवित्व सवित्व का मतलब होता है सारे संसार को उत्पन्न करने वाला सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाला ऐसे परमात्मा का वर्णन करें ऐसे ईश्वर का ध्यान करें ऐसे दिव्य स्वरूप का ध्यान करें और हमारी अपनी बुद्धियां जो है वो सन्मार्ग में प्रेरित होंगी ऐसी परमात्मा कृपा करते हैं, ध्यान करने वालों पर भू प्राणों से प्यारा इन शब्दों पर विचार करते रहिए सुनते रहिए एक एक शब्द का रस कानों में घोलते हुए परमात्मा के ध्यान का आनंद उठाइए वो प्राणों से प्यारा भूवा दुख का विनाशक है सुख का दायक है सुख दे कर दुख हरे सब मिलजुल कर हम सब जन गायत्री का पाठ करें ओम रक्षक है सबका नित ओम का जाप करें तत्व परमेश्वर ही सवितु उत्पादक है परमेश्वर हि सवितुत्पादक है वर्णीय है वर्णीय है उसका ही वरण करी वरणी अवरीनम है उसका ही वरण करी मिलजुल कर हम सब जन गायत्री का पाठ करें उम्रक्षक है सबका का जाप करें ऐसे परमात्मा विषयक विचारों को लेकर प्रतिदिन का ध्यान करना और प्रतिदिन का ध्यान करते करते हम कब तनाव से कब डिप्रेशन से कब स्ट्रेस से कब एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे वो हमें भी पता नहीं लगेगा हम वास्तव में एक स्वस्थ आरोग्यवान एक शक्तिशाली निरोगी जीवन व्यतीत करने वाले हो जाएंगे परम पिता परमात्मा बहुत बलवान है सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान है, 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 निराकार है, है। सच्चिदानंद है, न्यायकारी है सबके साथ न्याय करता है दयालु है अजन्मा है कभी जन्म नहीं लेता अनंत है निर्विकार है इसमें कभी कोई विकार नहीं आता सत्यदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक व्यापक सर्व अजर अभय नित्य पवित्र और कर्ता उपासनीय देव है परमात्मा निराकार गीता में भी निराकार परमेश्वर की विशेष विधि उसका ध्यान करने की बताई है हम सब लोग उस निराकार परमेश्वर की उपासना करके अपने आप को पवित्र भीतर से निरोगी मन से और आत्मा से बुद्धि से शरीर से बलवान बना लेंगे। व्यायाम योगासनों से हम शरीर को बलवान बनाए और ध्यान करने से मन और बुद्धि और आत्मा को बलवान बनाए गायत्री मंत्र पर ध्यान वाद, गायत्री मंत्र के शब्दों पर हम आज गौर करते हैं इसके पद्यानुवाद को देखते हैं तूने हमें किया पालन कर रहा है तू तु। तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु अस्तु में तू तु हो रहा है विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर छला भूर्भुअस्व धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् से रोज वेद के मंत्रों और उनके अर्थों पर विचार करते हुए जब ध्यान करेंगे तो निराकार और सर्वशक्तिमान न्यायकारी परमात्मा का ध्यान होगा सात्विक आहार करना सात्विक विचार वाले संगति वाले वातावरण में रहना तो ध्यान भी अच्छा होगा अपने कर्मों को ठीक रखना असत्य भाषण मत करना अन्यों के अधिकार पर अपनी दृष्टि मत रखना पुण्य करते जाना सेवा कार्यों को करते जाना दान करते जाना ध्यान अच्छा लगेगा इतने सारे कार्यों को करने से चित्त पवित्र होता है कर्माशय पुण्य कोश पुण्याशय बढ़ता है तो हमारा ध्यान भी अच्छा लगता है अपने मन स्थिति को अवलोकन करके देखें क्या हम उतनी ही जागरूकता से जिस जागरूकता से ध्यान में गए थे उसने स्थिति बनी हुई है कमर यदि तो सीधा कर ले मन यदि अपने धारणा स्थल से हट गया तो उसको अपने केंद्र पर वापस ले आए ईश्वर के प्रति समर्पण उसके प्रति कृतज्ञता का भाव और डिवोशन समर्पण और धन्यवाद थैंकफुलनेस धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा बढ़े चले हम रुके न क्षण भी दृढ़ संकल्प हमारा ओ शांति 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 सर्वे भ्यो नम अपने हाथों को अपनी आंखों अपने ललाट अपने पूरे मुखमंडल पर लगाएं इनके भीतर से ही अपनी आँखों को खोलें, पहले भूमि पर देखें और धीरे धीरे अपने पलकों को ऊपर उठाते हुए सामने किए आज के कार्यक्रम में गायत्री ध्यान के द्वारा कैसे हम अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं तनाव से बचने का उपाय तनाव को हटाने का उपाय गायत्री के ध्यान से हो सकता है आज सूक्ष्म रूप से संक्षिप्त रूप से आज के सत्र में हमने बताने का प्रयास किया छोटा सा सत्र था लेकिन आपको अधिक बताने का अधिक विचार रखने का हमने प्रयास किया ऐसी स्थिति बना करके आप प्रतिदिन ध्यान करेंगे आपके पास 10 मिनट है 10 मिनट करिए 15 मिनट 15 मिनट करिए लेकिन ध्यान को सबको करना है जो लोग बुद्धि अच्छी रखना चाहते जा, हैं जो लोग अपनी याददाश्त को खोना नहीं चाहते कमजोर नहीं करना चाहते जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई है वो वापस से ठीक करना चाहते हैं उन लोगों को रोज ध्यान करना चाहिए सबसे उत्तम समय ध्यान का बजे से पहले अपने कार्यों से निवृत्त होकर अपने शौच आदि से निवृत्त होकर प्रयास करें नहा करके बैठे तो ज्यादा अच्छे ढंग से लगेगा दो तीन प्राणायाम और फिर ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा बहुत अच्छा होगा तो आज के सत्र में इतना ही आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल स्वामी न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार ओम शम कल फिर मिलेंगे तब तक करें योग रहें निरोग जय अजमेर जय निरोगी अजमेर जय राजस्थान निरोगी राजस्थान जय हिंद जय भारत